जैसे जैसे लॉकडाउन की मियाद दिल्ली में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जिनको दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से सील किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये साफ संकेत दे दिया था कि ये सख्ती जो है आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएगी। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हैं, जहां कई सारे ब्लॉक्स को सील कर दिया गया है। यहां से एक ही परिवार से 26 लोग कोरोना के पेशेंट पाए गए थे और उसके बाद यहां पर लगातार कई इलाकों को सील किया गया है। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक में हैं, इस वक्त हम लोग मौजूद, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सील किया गया है इस पूरे ब्लॉक को। इसके अलावा ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और कई सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको दिल्ली सरकार लगातार सील करती जा रही है, और यहाँ से कई कोरोना के पेशेंट लगातार मरीज बढ़े हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो आप देख रहे हैं बैटरी रिक्शा, इसके जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट करके लोगों से ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में रहें, ना निकलें। ये एक चौड़ी गली है, यहाँ पे लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मेरे ठीक पीछे ये आप एक संकरी गली देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। चूँकि ये छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो निकल कर गलियों में बाहर निकल रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोगों तक किस तरह से, क्योंकि ये पूरा इलाका सील कर दिया गया है, उनके खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ों को कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाता है, हमारे साथ कुछ लोग जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो उनसे भी हम पूछेंगे इनके खाने पीने की चीज़ें कैसे पहुँचती हैं यहाँ पे। दूध और दूध के लिए छोड़ देते हैं, मेडिसिन के लिए बस। नहीं, जैसा सरकार ने कहा है कि लोगों के घर तक वो राशन पहुंचाएगी, ये पहुंच पा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, अलग अलग पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन के थ्रू आ रहे हैं। अच्छा, अलग अलग लोगों की तरफ, सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से। अच्छा, किस तरह से इन लोगों तक, चूँकि ये इलाका सील हो गया है, किस तरह से इन लोगों को खाने पीने और जरूरी चीजों को पहुँचाया जाता है? हमारे डीएम साहब ने एक नंबर प्रोवाइड कराया इनके लिए, उसे ये फ़ोन करते हैं, तो जो भी इनको चाहिए होता है उस हिसाब से हम उनको वहाँ से सामान लेके उनके यहाँ बैरिकेड तक उनको बुलाते हैं और उनको देके अंदर से अंदर भेज देते हैं, बाहर नहीं आने देते किसी को। सारी सुविधा हमने यहाँ से उपलब्ध करा रखी है उनके लिए। अच्छा, तो ये कितने इलाके जहांगीरपुरी में सील किए गए हैं? सर, के ब्लॉक में किया गया है। हाँ। और सी ब्लॉक किया गया और ये किया गया, और एच ब्लॉक में तीन गली, दो गली एच ब्लॉक में की गई है सर। एच ब्लॉक में? हाँ जी सर। कितने पेशेंट जहांगीरपुरी से अब तक मिले हैं, क्योंकि एक परिवार के 26 लोग? हाँ सर, ये 26 तो यही था सर। हाँ। बाकी के ब्लॉक से 4 मिले थे सर, और 3 शायद मेरी नॉलेज में 3 वहाँ से मिले थे एच ब्लॉक से सर। अच्छा, और कितने लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है सर, इसकी थोड़ी जानकारी मेरे को कम है सर। अच्छा, मतलब खाने पीने की चीज़ें? हाँ, खाने पीने की सारा अरेंजमेंट रखा सर, सारा अरेंजमेंट कराए जा रहे हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, ना किसी को परेशान होने दे रहे सर। जो छोटी गलियाँ हैं उसमें दिख रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, तो उन लोगों को किस तरह से सर? ये हम माइक के थ्रू उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना बचाव करना है, हम बचेंगे तो सबको बचाएंगे सर। तो इस तरीके से उनको ये माइक के जरिए सबको गाइड कर रहे हैं, अनाउंसमेंट के जरिए सर सबको हम समझा रहे हैं, और लोग मान भी रहे हैं, लोगों में फर्क आ रहा है सर इस चीज़ का। तो इनका ये कहना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध सब्जी और ऐसे कई राजनीतिक पार्टी के लोग भी इनके घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सील किया गया है, और जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं या जो ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंचती हैं। लगातार इस पूरे इलाके में अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पीसीआर वैन आप देख सकते हैं राउंड पे है, ये लोग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहांगीरपुरी एक वल्नरेबल इलाका है, जहाँ से लगातार जब से कोरोना के मामले आए हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा मामला दिल्ली में सामने उभर के आ रहा है। एक ही परिवार के 26 लोग यहाँ से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद और यहाँ सख्ती बढ़ा दी गई है, कई इलाकों को लगातार सील किया जा रहा है। अब तक दिल्ली में 79 ऐसे इलाके हैं जिसको दिल्ली सरकार की तरफ से सील किया गया है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।